नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी किया गया कक्षा छठी का रिजल्ट। जी हाँ, कक्षा छठी के सिलेक्शन टेस्ट के बाद कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नवोदय विद्यालय में आने वाले शैक्षणिक सत्र में दाखिला मिलने वाला है और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें दाखिला इस सत्र में नहीं मिल पाया है, उसकी लिस्ट आप कैसे देख पाएंगे, उसकी जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। और मैं आप सभी से कहना चाह रही हूँ कि जब यह रिज़ल्ट निकलता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे हुए लेकिन रिज़ल्ट वैसा नहीं निकला जैसा वे चाहते थे, तो ऐसे में निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं है जो आपका भविष्य निर्धारित कर सकती है। अगर आपका नाम लिस्ट में है बहुत अच्छी बात है, आपको ढेरों बधाइयाँ। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी बहुत मौके आएंगे, बहुत सारे और अच्छे स्कूलों में दाखिले के मौके आएंगे और हो सकता है आगे नवोदय विद्यालय में आगे भी दाखिले के मौके आते हैं। छठी में दाखिले होते हैं, नौवीं में भी दाखिले के मौके आते हैं, तो आपके पास अभी मौके हैं। आपको परेशान होने की, चिंता में आने की या फिर हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, जैसे आप नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट को ओपन करेंगे जो कि है www.navodaya.gov.in, जो कि है www.navodaya.gov.in, आप इस प्रकार खोलेंगे और इस प्रकार से एक बॉक्स सा बना आ जाएगा। ये देखिए, एक बॉक्स सा बना आ रहा है। इसमें तीसरे खाने में जो गुलाबी रंग से है, क्लिक हेयर टू व्यू क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 रिजल्ट, आप क्लिक करिए। ये देखिए, इस प्रकार से आ जाएगा। आपको यहाँ पे भरना है अपना रोल नंबर और नीचे भरना अपना डेट ऑफ बर्थ। याद रखिएगा, रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ में से कुछ भी गलत भरा तो आपका रिजल्ट आप देख नहीं पाएंगे। फिर आपको चेक रिजल्ट पर क्लिक करना है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आ जाएगा, सिलेक्शन हुआ है कंग्रेचुलेशंस करके लिखा आ जाएगा, नहीं सिलेक्शन हुआ तो नहीं आएगा, लिखा आ जाएगा कि यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, प्रोविजनली हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिजल्ट जो भी हो आपको परेशान नहीं होना है। अच्छा है, बहुत खुशी की बात है, आपको जाके मेहनत करनी है। नहीं भी अच्छा है तब भी कोई बात नहीं, पास फेल का कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में नहीं होता है। दूसरी बात, मैंने फॉर्म नवोदय विद्यालय का नहीं भरा था, क्योंकि आमतौर पर जब भी मैं फॉर्म भरती हूँ वह ऐसी जानकारी के साथ फॉर्म भरती हूँ जो जानकारी एग्जिस्ट नहीं करती होती। किसी के भी नाम का कोई भी डिटेल डाल के फॉर्म भर देती हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जो भी फॉर्म भरती हूँ वो सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में वह सीट कहीं ना कहीं खराब जाती है या वहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि वैसा कोई बच्चा एग्जिस्ट तो करता ही नहीं होता और उसका सिलेक्शन हो गया होता है। तो इसीलिए मैं फॉर्म नहीं भरा था। आप देखिए, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, मौके बहुत हैं, मौके बहुत मिलेंगे। आपको आगे बढ़ना है और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।